ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, वाह इंस्टेंट पिज़्ज़ा। व्यूअर्स सबसे पहले आपने ऐसे लगाना है केचप, हमें चिलीज़ ज़्यादा पसंद है तो हमने चिलीज़ वाला लगाया है। आप नॉर्मल अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उनके लिए आपने नॉर्मल केचप रखना है। आपने प्याज डाल देना है ब्रेड के ऊपर और उसके बाद आपने चीज़ डालनी है। चीज़ मैं इसलिए डाल रही हूँ कि पिघलने में ज़रा टाइम लेती है। स्लाइस एक रख देंगे। उसके बाद शिमला मिर्ची डाल देनी है। ये है टॉप पे टमाटर और उसके ऊपर ये व्यूअर्स मायोनीज। ऐसे रख के आपने दबा देनी है। आपने जलानी है आँच हल्की वाली और उसमें हमने डाला है पिघला हुआ बटर तकरीबन 2 टेबलस्पून। रख देना है आँच पर ऐसे। ये आ गई है दूसरी स्लाइस ब्रेड की। तो हमने 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, 2 हमने चीज़ ली हैं। इस तरह आप इनको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इनको रखना है ताकि अंदर से चीज़ भी पिघल जाए। तो आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लेना है। व्यूअर्स आपने इनको आराम से ग्रिप करके उल्टाना है ताकि चीज़ें इसमें से ना गिरें। ऐसे ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया। ये देखें जी व्यूअर्स, अब नीचे वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा मसाला आ गया। मक्खन मक्खन, ये देखें व्यूअर्स दोनों तरफ से माशाल्लाह अच्छी तरह पक चुकी है। और अभी हम थोड़ा सा इसको रखेंगे ताकि चीज़ अंदर से मज़ीद हो जाए। जिस तरफ से थोड़ी सी कच्ची हो तो उस तरफ आप उसको और गोल्डन कर लें थोड़ा। तो व्यूअर्स अभी हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हो चुकी है डिश आउट। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, वाह हमारी रेसिपी तैयार है इंस्टेंट पिज़्ज़ा, ज़बरदस्त। व्यूअर्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक। अभी हमें मनाइल बताएंगी कि कैसा है, चलें चेक करें कैसा है। मनो आप भी बताओ जी कैसा है। मज़े का, मज़े का, मेरी तरफ देखो मज़े का।